हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम सोफी और बी नाम के कपल को देखते हैं जो लड़कियाँ थी। यहाँ पे सोफी अपने बचपन के दोस्त डेविड के घर पे आई थी। अब सोफी उसके घर के अंदर जाती है, लेकिन तभी बी डेविड के लिए लाया हुआ गिफ्ट भूल जाती है, इसीलिए वो वापस कार में लेने जाती है। लेकिन तभी गलती से वो कार की मिरर लाइट्स को ऑन ही छोड़ देती है। अब अंदर हम देखते हैं एक पूल पार्टी चल रही थी, जिसमें डेविड था और उसकी गर्लफ्रेंड एमा, जो कि एक्ट्रेस थी। उनके साथ उसकी दोस्त एलिस और एलिस का बॉयफ्रेंड ग्रेग था। इनके अलावा जॉर्डन नाम की लड़की भी थी, जो कि सोफी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। और ये सारे लोग मैक्स नाम के इनके दोस्त के साथ आए थे, जो कल रात लड़ाई के कारण यहाँ से चला गया था। यहाँ पे सोफी और बी को अचानक से आया हुआ देख सब लोग नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने भी इन्वाइट नहीं किया था। यहाँ पे सोफी का हमें अतीत पता चलता है। दरअसल पास्ट में उसे ड्रग्स का एडिक्शन था, इसीलिए उसके फैमिली ने उसे बेदखल कर दिया था, जिसके बाद वो रिहैब में गई थी और फिलहाल वो पूरी तरीके से क्लीन थी। यहाँ पर आने का उसका मकसद यही था कि डेविड की मदद से वो अपने फैमिली को वापस मनाए, ताकि वो जायदाद में उसे वापस ले ले। अब इनके बर्ताव से हमें समझ आता है कि सब लोग एलिस के बॉयफ्रेंड ग्रेग और सोफी की गर्लफ्रेंड बी को हेट करते हैं, क्योंकि वो दोनों भी इनके आउट ऑफ लीग थे, यानी दोनों अमीर नहीं थे, कोई साधारण लोग थे, और बाकी के सब लोग बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। यहाँ पे बी इन सब के सामने बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है और ऐसे लग रहा था कि वो सबको प्लीज करने की कोशिश कर रही है। वो डेविड को लाया हुआ गिफ्ट भी देती है, लेकिन वो कुछ खास उस पे ध्यान नहीं देता। अब ये लोग यहाँ पे पार्टी करने के लिए इसीलिए आए थे क्योंकि थोड़ी देर के बाद हरिकेन आने वाला था और इसी तूफान में ये लोग पार्टी करना चाहते थे। इसी दरमियान ग्रेग एक बड़े से ब्लेड से शैंपेन की बॉटल खोलता है, जिससे सब लोग काफी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन डेविड इसके ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि डेविड ग्रेग को जरा भी पसंद नहीं करता था और उससे काफी जेलस भी था। यहाँ पे सोफी और बी शैंपेन नहीं पीते। इसी दरमियान तूफान भी आ जाता है और ये सब लोग घर के अंदर आते हैं। यहाँ पे डेविड सोफी से पूछता है कि तुम्हें बी क्यों पसंद है, लेकिन सोफी उसे पूछती है फिर एलिस को ग्रेग क्यों पसंद है, वो तो 40 साल का है। यहाँ पे डेविड बताता है कि शायद ग्रेग एक सोल्जर है, इसीलिए वो पसंद करती होगी। लेकिन तभी सोफी टॉपिक चेंज करते हुए उसे पूछती है कि क्या तुमने मेरी फैमिली से बात की, लेकिन डेविड मना कर देता है। यहाँ पे हम बी को देखते हैं जो अकेले ही घूम रही होती है, और तभी जॉर्डन उसे एक सलाह देती है कि तुम सोफी से जरा केयरफुली रहना। अब थोड़े समय के बाद सब लोग टिकटॉक के लिए रील्स बना रहे होते हैं और बी अपनी अकेले ही होती है। यहाँ पे वो पूरी कोशिश कर रही थी कि इस ग्रुप का हिस्सा बने, लेकिन कोई भी उसे कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था। इसी दरमियान सोफी सबको कहती है कि क्यों ना हम बॉडीज 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 ये गेम खेले। ये सुनकर सब लोग एक्साइटेड होते हैं। ये गेम दरअसल कुछ ऐसा था कि ये लोग कुछ पर्चियां बनाएंगे और एक पर्ची पे लिखा आएगा एक्स। अब जिसके पास भी ये एक्स वाली पर्ची रहेगी वो रहेगा किलर, लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं। और किलर का काम ये होगा कि अंधेरे में एक एक करके उसे सबको मारना है, यानी जिसे भी वो टैप करेगा यानी टच करेगा वो मारा जाएगा। फिर जिसे भी उसकी बॉडी मिलेगी वो चिल्लाएगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। फिर सभी लोग जमा होंगे और वोटिंग करेंगे कि किलर कौन है। अगर सबने सही किलर को गेस किया तो किलर हार जाएगा। तो वही किलर को इनके बीच में ही छुपके रहना है और एक एक करके सबको मारना है। अब यहाँ पे सबसे पहले इनको वोडका पीना था। उसमें भी एक गेम रहता है कि एक दूसरे को चाटा मारना है और फिर शॉट्स पीने हैं। अब यहाँ पे जॉर्डन बी को एक जोर का चाटा मारती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और उसके बाद में शॉट लेती है। अब यहाँ पे डेविड को ग्रेग को मारना रहता है, लेकिन चाटे के बदले में वो सीधा पंच मारता है, जिससे डेविड गुस्सा होता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। अब इसके बाद ये लोग गेम शुरू करते हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती है। गेम स्टार्ट हो गई थी, सब लोग खुद को बचा रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें सबसे पहली बॉडी मिलती है और लाइट ऑन करने के बाद इन्हें पता चलता है बॉडी ग्रेग की है। अब सब लोग वोटिंग में लग जाते हैं, लेकिन तभी एलिस का ध्यान जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी ग्रेग उठ ही नहीं रहा है। उसे काफी होश में लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। अब सबको लगता है कि किसी ने इसे सच में ही मार डाला है। ये लोग पैनिक होने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रेग हंसते हुए उठता है। वो इन सब पे प्रैंक खेल रहा था, लेकिन डेविड एज यूजुअल उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसीलिए ग्रेग गुस्से में वहां से चला जाता है अपने रूम में। इससे एलिस भी डेविड के ऊपर गुस्सा हो जाती है और लड़ने लगती है। और तभी एलिस सबको बताती है कि उसके और एमा का रिलेशन भी कुछ खास नहीं चल रहा है। ये सुनकर डेविड अपनी गर्लफ्रेंड एमा के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि तुम दूसरों को क्यों बता रही हो ये सारी चीजें। अब सब लोग डेविड के इस एटीट्यूड से परेशान हो जाते हैं और उसी को वोट कर देते हैं कि वही किलर है। अब गुस्से में वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें सिर्फ लड़कियां थी। और तभी पूरे घर की लाइट
लाइट अचानक से बंद हो जाती है। अब वे लोग डेविड को ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि घर उसका था। तभी वी देखती है कि डेविड घर के बाहर है और कोई उसके ऊपर हमला कर रहा है। वो सब लोग जल्दी से मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं था और वो मारा जाता है। यहाँ पे अचानक से सबके फोन के सिग्नल भी नहीं थे। यहाँ पे कार भी सिर्फ सोफी की ही थी, इसीलिए सब लोग जल्दी जल्दी भीगते हुए कार में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इनकी कार स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि पूरे दिन लाइट्स ऑन होने के कारण बैटरी अब खत्म हो गई थी। सोफी बी के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है लेकिन एक एक करके ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं। अब ये पूरा बड़ा मेंशन रहता है और सिक्योरिटी सिस्टम के बिना कोई भी घर के अंदर नहीं आ सकता था, इसीलिए उन्हें लगता है जरूर मैक्स वापस आ गया होगा। दरअसल पिछले रात मैक्स एंड डेविड के बीच में काफी लड़ाई हुई थी। मैक्स ने कन्फेस किया था कि वो एमा से अभी भी प्यार करता है और इसी बात में इन दोनों की हाथापाई भी हुई थी। अब इन्हें लग रहा था कि शायद मैक्स वापस आ गया और उसने डेविड को मारा है क्योंकि उसे घर का पिन भी पता था। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि घर में ग्रेग भी है जिसके साथ डेविड का झगड़ा चल रहा था और ये लोग ग्रेग को ढूंढने के लिए जाते हैं उसके रूम में। लेकिन वहां पे वो नहीं होता बल्कि उसके रूम में उसका बैग मिलता है जिसमें चाकू, कुछ मैप, बैटरीज और अजीब सा सामान था, जिसके कारण इनका शक उसी पे चला जाता है। अचानक से कहीं पे एमा दिखाई नहीं देती, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए लोग जाते हैं जो कि खुद के रूम में पड़ी हुई थी। सब लोग उसके रूम में जाते हैं और एलिस उसे शांत करने के लिए एक गोली देती है और खुद भी ले लेती है। इसके बाद वो चले जाते हैं ग्रेग को ढूंढने जो कि जिम में आराम कर रहा था। अब ये सारी लड़कियां उसे घेर लेती है क्योंकि उन्हें लग रहा था ग्रेग ही किलर है। हालांकि उसे पता भी नहीं था कि डेविड मर गया है, लेकिन ग्रेग को लगता है कि ये सब लोग वापस उसके साथ मजाक कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे बड़ा है। लेकिन देखते ही देखते सिचुएशन काफी खराब हो जाती है और ये लड़कियां चाकू लेके उसे इंट्रोगेट करने लगती है। इसीलिए सेल्फ डिफेंस में ग्रेग सोफी का चाकू छीन लेता है और उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसने डेविड को नहीं मारा है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। उसके सामने सोफी थी और बी को लग रहा था कि वो सोफी को मार देगा, इसीलिए बी साइड का वेट उठाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। लेकिन वो बेचारा उठने की कोशिश करता है, इसीलिए बी वापस उसके ऊपर वार करती है और वो बेचारा वहीं पे मारा जाता है। अब ये देखकर एलिस काफी रोने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यानी ग्रेग अब मारा गया था। अब ये सारा पैनिक देख के सोफी भी अनस्टेबल होने लगती है और वो ड्रग्स ले लेती है। और डेविड की गर्लफ्रेंड यानी एमा जो कि काफी पैनिक स्टेट में थी उसे बहुत ही भला बुरा कहने लगती है, जिसे अपसेट होकर एमा अपने रूम में चली जाती है। लेकिन थोड़े शांत होने के बाद सोफी फिर एमा से मिलने जाती है और उसे सॉरी कहती है और उसे एक पिल देकर वो चली जाती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद एलिस को एमा की बॉडी मिलती है स्टेयर के नीचे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे ऊपर से धक्का दे दिया है। और तभी ऊपर से आती है बी, सोफी की गर्लफ्रेंड। अब इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे ग्रेग तो किलर नहीं था और बी ने उसे बेवजह ही मार डाला था। अब एलिस का कहना होता है जो भी गेम में किलर है वही रियल में भी किलर है। लेकिन इनका सारा शक बी के ऊपर जाता है क्योंकि वो इनके ग्रुप की नहीं थी और तो और डेविड पर सबसे हमला होते हुए बी ने ही देखा था, ग्रेग को भी उसी ने ही मार डाला था और कार की लाइट्स भी ऑन उसी ने छोड़ दी थी जिसके कारण बैटरी ऑफ हो गई थी। अब एलिस और जॉर्डन उसे मिलकर घर के बाहर निकालने लगते हैं और यहाँ पे सोफी कुछ भी नहीं करती क्योंकि ग्रेग को मारते वक्त वो काफी मना कर रही थी लेकिन बी रुकी नहीं और बी ने उसे मार दिया था, इसीलिए सोफी को भी बी के ऊपर शक होता है। अब उसे बाहर निकालने के बाद ये लोग खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। बी बारिश में भीग रही थी इसीलिए वो कार में चली जाती है लेकिन वो भी लॉक होता है। लेकिन तभी कार की एक विंडो खराब थी जिसके थ्रू वो अंदर चली जाती है। अब कार में उसे कुछ चिप्स मिलते हैं, वो खा लेती है। इसके बाद उसे कुछ जॉर्डन के कपड़े मिलते हैं। अब उसे लगने लगता है कि शायद जॉर्डन ही किलर है यानी सोफी की एक्स गर्लफ्रेंड, इसीलिए वो सबको आगाह कराने के लिए घर के अंदर आने का रास्ता देखने लगती है। तभी कांच से उसकी नजर जाती है जॉर्डन पर जो कि डेविड के ऑफिस से उसकी गन चुरा लेती है। यहाँ पे फिर बी बैकडोर से होते हुए घर के अंदर घुस आती है और तभी हाथ में हैमर भी ले लेती है और सारे लड़कियों को मिलकर वो बताती है कि जॉर्डन के जेब में गन है। लेकिन उसके जेब में कुछ भी नहीं मिलता सिवाय फोन और पर्ची के, जिससे इन्हें पता चलता है कि जॉर्डन ही किलर थी। अब सारा शक जॉर्डन पे चला जाता है क्योंकि जब डेविड मर रहा था तब सबसे लास्ट में वही पहुंची थी और एमा की मौत के टाइम पे भी वही उसके पास थी। इसी बीच में सोफी और बी इन दोनों का वापस पैचअप हो जाता है। तभी जॉर्डन वो छुपाई हुई गन निकालती है और इन तीनों को भी गन पॉइंट पे रखती है। अब इन तीनों दोस्तों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और इनके झगड़े से ये साफ हो जाता है कि ये लोग
सिर्फ नाम के दोस्त हैं। समय रहते ये लोग एक दूसरे का गला भी काट सकते हैं। यहाँ पे जॉर्डन बी को बताती है कि दरअसल वो और सोफी कार में मेकआउट कर रहे थे और इसीलिए उसके कपड़े वहां थे। ये सुनते ही बी काफी हैरान होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड सोफी उसे चीट कर रही है, लेकिन सोफी मना कर देती है। तब जॉर्डन कहती है कि इसका फोन चेक कर लो। इसे गुस्सा होकर सोफी एलिस को बता देती है कि जॉर्डन तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हारे पॉडकास्ट का हमेशा मजाक उड़ाती है। ये सुनते ही एलिस काफी गुस्सा होती है, लेकिन तभी जॉर्डन गुस्से में उसके पैर पर गोली मार देती है। अब ये देख सब लोग जॉर्डन से गन छीन रहे होते हैं। इसी बीच में एक गोली चल जाती है जो कि सीधा एलिस के गर्दन में लगती है और वो मारी जाती है। अब जॉर्डन के हाथ में गन थी, इसीलिए सारा शक जॉर्डन पे जाता है। इसीलिए वो दौड़ कर ऊपर चली जाती है। उसके साथ साथ सोफी भी आती है। इनकी बहस में ही बी पीछे से आती है और जॉर्डन पर हमला करती है और कैसे तैसे ड्रैग करते हुए उसे नीचे फेंक देती है। और जॉर्डन मरने से पहले कहती है कि सोफी का फोन देखो, वो तुम पे चीट कर रही है। यहाँ पे बी काफी परेशान होती है और वो सोफी से पूछती कि क्या एमा को तुमने मारा है, लेकिन सोफी मना करती है। यहाँ पे बी को यकीन नहीं होता, इसीलिए वो सोफी से दूर जाकर छुप जाती है। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है। यहाँ पे सुबह होने पर बी घर के बाहर चली जाती है तो सोफी भी वहाँ आती है और वो कन्फेस करती है कि उसने एमा को एक पिल दी थी जिसे खाने के बाद नशे की हालत में वो सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। अब ये सुनकर बी उस पर गन तान कर कहती है कि तुम अपना फोन दिखाओ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। लेकिन उसे फोन दिखाने के बजाय वो फोन को फेंक देती है। यहाँ पे फोन उठाने के चक्कर में वापस दोनों झगड़ा करने लगते हैं और आखिर में बी को एक फोन मिलता है, लेकिन वो सोफी का नहीं बल्कि डेविड का था। अब उसके फेस आईडी से फोन अनलॉक होता है और तब उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती है। यहाँ पे डेविड उस बड़े से ब्लेड के थ्रू शैंपेन की बॉटल खोलते हुए टिकटॉक बना रहा था और गलती से वो ब्लेड उसे जाके लग गई थी गर्दन में और इसी के कारण वो मारा गया था। असल में कहानी में कोई भी किलर नहीं था। उसी समय हम मैक्स को भी घर पे आते हुए देखते हैं और यहाँ पे डेविड की लाश देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। यानी यहाँ पे इन सारे लोगों ने सिर्फ शक के बिना पर एक दूसरे को मार डाला था। डेविड को मरता हुआ देख सब लोग पैनिक हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि इन्हीं के बीच में कोई किलर है। अब ये सारे अमीर रहते हैं इसीलिए बाहर वाले के ऊपर ही शक करते हैं, जो सबसे पहले ग्रेग था और बी जो कि इस ग्रुप में शामिल होने के लिए काफी ट्राई कर रही होती है, उनका अप्रूवल पाने के लिए ग्रेग को मार डालती है यही सोच के कि वो किलर है। लेकिन उसके मरने के बाद भी एमा मारी जाती है। इसीलिए सच्चाई क्या है ये जानने के बजाय ये लोग एक दूसरे पे ही शक करते हैं। अब शक बी पे जाता है, उसके बाद बी का शक जॉर्डन पे जाता है और इसी तरह एक एक मर्डर होते जाते हैं। यानी असल में कोई भी किलर नहीं होता, ये लोग एक दूसरे को सिर्फ शक के बिना पर मारते हैं। यहाँ पे बी इस ग्रुप का अप्रूवल लेने के लिए इतनी खो जाती है कि वो अपने प्यार के चक्कर में दो लोगों को मारती है, ग्रेग और जॉर्डन, और एंड में पता चलता है कि सोफी खुद उसके ऊपर चीट कर रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।